हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग प्रिटी प्लैनेट। आज हम क्रिएट करेंगे ये स्मोकी आई विथ रेड लिप्स लुक, जिसको आप किसी भी नाइट पार्टी में ये मेकअप कैरी कर सकते हो, पब वगैरह में, जैसे कि न्यू ईयर पार्टी में भी इसे आप कैरी कर सकते हो। ये ग्लैमरस मेकअप लुक है स्मोकी आई विथ रेड लिपस्टिक, जो कि दिखता तो है जैसे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लुक होगा, बट ये बहुत ही सिंपल है। तो फिर देर न करके चलिए शुरू करते हैं ये लुक। आज यू नो, मेकअप से पहले हम हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे और मैं कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल से। अब मेरा फेस मॉइस्चराइज हो गया। अब मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का फाउंडेशन। इसको हाथ में थोड़ा सा लेके फेस में इसे लगा दूँगी, हर जगह पर और नेक पे भी। और इस ब्यूटी ब्लेंडर में इसको ऐसे डैप डैप करके ब्लेंड करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं फाउंडेशन अभी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे किस ब्यूटी का ये कंसीलर, जो डार्क सर्कल एरिया है वहाँ पे, जो भी हमारे फेस में डिस्कलरेशन है वो एरिया, और जहाँ पे भी हमारा पिंपल मार्क्स वगैरह है उसको छुपाने के लिए इसे हम यूज़ कर रहे हैं। और इसको भी इस ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। कंसीलर अभी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे ये काउंटर, ये भी किस ब्यूटी का ही है। इसको हम ऐसे गाल में लगाएंगे, ये थोड़ा शैडो क्रिएट करता है और फेस थोड़ा पतला दिखता है। जॉ लाइन पे भी लगाएंगे, जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए इस तरीके से। फोरहेड पे भी लगाएंगे, फोरहेड थोड़ा पतला दिखने के लिए, और नोज पे भी, नोज को साफ दिखाने के लिए। मतलब इससे थोड़ा थोड़ा नोज साफ दिखने का इल्यूजन आता है, जॉ लाइन भी दिखता है। और इसको इस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। ये भी ब्लेंड हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे लैक्मे का 925 एक कॉम्पैक्ट पाउडर, हमारे ये सब जो बेस मेकअप हो गया इसको सेट करने के लिए। इसको जहाँ जहाँ पे भी हम कंसीलर और काउंटर लगाए हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से सेट करना है। उसके बाद हम मॉइस्चराइज करेंगे हमारे लिप्स को। मैं यहाँ पे ले रही हूँ वैसलीन का लिप केयर, जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फेस का वैसे ही लिप्स का। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे और पहले हम इस पिंक कलर को लेंगे, जो कि अपर आईलिड में लगाएंगे, और इसको इस ब्रश से अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। ये अभी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब हम लेंगे ये आइकॉनिक काजल लैक्मे का, और इसको लाइनर के जैसे हम ऐसे लगा लेंगे, थोड़ा मोटा आईलाइनर के जैसे।
अब हम काजल ले रहे हैं क्योंकि काजल को ब्लेंड करना आसान होता है, क्योंकि हम स्मोकी आई करने वाले हैं इसीलिए लाइनर के बदले हम काजल ले रहे हैं। अब हम इसको इस ब्रश से स्मज करेंगे ये काजल को। स्मज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो आई मेकअप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये आसान भी है, इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से स्मज करेंगे दोनों आईज को। जैसे कि आप देख रहे हैं स्मज हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम लोअर लैश लाइन पे भी ये काजल को लगा रहे हैं, वाटर लाइन पे नहीं लगा रहे हैं, उसको वाटर लाइन के नीचे ही लगा रहे हैं। वाटर लाइन में लगाने से आँख थोड़ा छोटा दिखता है। अब इसको भी हम ऐसे ही स्मज करेंगे बट ऊपर से इसको थोड़ा कम स्मज करेंगे, स्प्रेड करेंगे ऊपर का लेयर से, ये नीचे का लेयर थोड़ा पतला लेयर लेके उसको स्मज करेंगे। अब हमें आई शैडो पैलेट से ये ब्राउन कलर का आई शैडो पिक कर रहे हैं, इसको ऐसे आंखों के नीचे और ऊपर ब्लेंड कर रहे हैं। इसको नीचे लगाने से जैसे कि हम काजल यूज़ कर रहे हैं इसे स्मज नहीं होगा और ऊपर ब्लैक और पिंक को ये अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेगा और एक अच्छा लुक देगा। अब हम करेंगे जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आईब्रो। हम उसके लिए ये ब्राउन कलर का आईब्रो ले रहे हैं जो कि पाउडर फॉर्म में है और इसको इस एंगुलर ब्रश में अच्छे से ड्रॉ करेंगे। मैं जो आईब्रो यूज़ कर रही हूँ ये भी स्विस ब्यूटी का ही है। ये आईब्रो कम लाइनर में मिलता है, मतलब एक साइड में आईब्रो आता है और दूसरे साइड में लाइनर आता है, उसके साथ ये ब्रश भी फ्री में मिलता है। अब हमारा आईब्रो ड्रॉ हो चुका है, अब हम इस पुली की मदद से इसको थोड़ा कम कर लेंगे। अब हम ले रहे हैं ये थोड़ा सा ग्लिटरी आई शैडो पैलेट जिसमें से हम पिक कर रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा ब्राउन कलर का ग्लिटरी आई शैडो, जिसको हाथ में लेके ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा हम अपर आईलिड में लगा लेंगे। इससे देखिए एक बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। अब हम लगाएंगे ये मस्कारा, इसको अच्छी तरीके से ऊपर और नीचे दोनों जगह पे अच्छे से लगा लेंगे। इससे आई थोड़ा बड़ा दिखता है और सुंदर भी दिखता है।
अब हम यूज कर रहे हैं ये लैक्मे का ये रेड लिपस्टिक। जिसके बिना मेकअप लुक अधूरा रह जाता है। अब हम हाईलाइट करेंगे। इस कलर को मैं ले रही हूँ वही किस ब्यूटी का जो काउंटर पैलेट था उसमें से ही ये कलर को मैं पिक कर रही हूँ क्योंकि ये कलर मुझे हाईलाइटिंग के लिए बहुत अच्छा लगा। इसके लिए इसको लेके मैं जहाँ जहाँ पे भी हाईलाइट करना है नोज पे क्यूपिड बोन पे जो भी हमारा हाईएस्ट पॉइंट है फेस का वहाँ वहाँ पे हम लगा रहे हैं चीक्स पे फोरहेड पे। इसको ऐसे अच्छी तरीके से लगा लेंगे और जैसे कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर ये क्रीमी फॉर्म में है इसके लिए इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। अगर आपका हाइलाइटर पाउडर फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है तो इसको ब्लेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ले रहे हैं लैक्मे का 925 ये ब्लश और इसको हम ऐसे ही चीक में अप्लाई कर लेंगे। ब्लश लगाने के बाद फेस में कलर आ जाता है। अब हम ये व्हाइट कलर का आई शेडो लेके इससे आई के कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा लगाएंगे जिससे आई थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बड़ा भी दिखता है। इसको ऐसे आईब्रो के साइड में भी थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे आईब्रो को प्रोमिनेंट करने के लिए। अब हम हमारे पूरा मेकअप को फिक्स करेंगे स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर से और बाल खोल के और एक इयररिंग लगा के इस मेकअप लुक को हम कंप्लीट करेंगे। If you like this video, then like, share and subscribe my channel. See you in my next video. Till then, bye bye.